तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर बिगिनर लेवल पर हैं, अभी बांसुरी बजाना सीख रहे हैं और या आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप इसी तरह यूट्यूब में देख रहे हैं या कहीं से और देख के आप सीख रहे हैं, बांसुरी बजाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा दो गलती करते हैं जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है, ठीक है। तो इस गलती को कैसे आप सुधार सकते हैं अभी से और बाद में जाके आपको परेशानी ना हो। एक जो गलती है वो लगभग लगभग सभी करते ही हैं, ठीक है। एक दो ऐसे होंगे जो नहीं करते हैं, जो गुरु जी के पास जाके सीखते हैं वो तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन जो ऐसे ही घर बैठे हम लोग जैसे सीखते हैं ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से, तो उन लोग ये गलती करते ही हैं, ठीक है। और एक दूसरा गलती है वो लगभग लगभग आधे करते हैं गलती, ठीक है। तो दो ऐसे गलती के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसको सुधारने का तरीका भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों गलती के बारे में मैं आपको सबसे पहला गलती बताता हूँ, जो बिगिनर लेवल पर जो सीखते हैं वो लगभग आधे जो है करते ही हैं, ठीक है, 50% करते ही हैं गलती। क्या कर गलती करते हैं वो देखिए। एक लाइव में मैंने बताया था इस गलती के बारे में, लेकिन उतना कोई शायद नहीं देखे होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो इसके लिए ले आया। तो वो गलती क्या है देखिए, हम लोग हम कैसे बांसुरी पकड़ते हैं, देखिए इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है, ये ठीक है, सही तरीका बांसुरी पकड़ने का ये। अब कोई क्या करते हैं देखिए, कोई बहुत कोई को मैंने देखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना ये किए बजाता हूँ, आप लोग देखिएगा, बहुत कोई को ध्यान दीजिएगा, इस तरह बांसुरी पकड़ते हैं इस तरह, ठीक है। देखिए उंगली देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ये तीनों उंगली देखिए, ये तो ना तो देखने में अच्छा लग रहा है और ना आपको बजाने में सुविधा होगा, ठीक है। शुरू शुरू में आपको अभ्यास हो जाएगा तो बाद में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा बांसुरी का स्पीड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड, तब आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल जो बांसुरी वादक हैं उनको नहीं देखिएगा कभी ये गलती करते हुए, ठीक है। देखिए ये इस तरह का कभी नहीं बोले पकड़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पकड़ेंगे, देखिए इस तरह सीधा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के ही रखना है, ठीक है, देखिए इस तरह का, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह करके पकड़ के बजाना है, ना कि इस तरह। अगर ये आप गलती करते हैं तो इसको अभी से छोड़ दीजिए करना, ठीक है, इस तरह का बजाना, अगर इस तरह करते हैं आप गलती तो इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए दूसरा गलती की ओर जाते हैं दोस्तों। तो ये गलती क्या है कि जब भी हम बिगनर लेवल पर सीखते हैं बांसुरी बजाना, तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाके सर्च करते हैं गाना कैसे बजाएं, बस यही गलती आपका है कि आप फटाक से जाके, अगर एक दिन भी आप प्रैक्टिस किए ना तो जाके आप यूट्यूब पर यही सर्च कीजिएगा कि बांसुरी में गाना कैसे बजाएं, ये नहीं सर्च कीजिएगा बांसुरी में राग कैसे बजाएं, ये अलंकार कैसे बजाएं, ठीक है। तो इस गलती को आपको अच्छा करना है, मतलब क्या, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है राग कैसे बजाएं, अलंकार कैसे बजाएं, ये सब के बारे में आपको जानकारी धीरे धीरे छोटा छोटा जानकारी आपको लेना है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास ना तो फोन था ना ही कुछ था, क्योंकि मैंने बहुत ही पहले स्टार्ट किया था, लगभग 2.5 साल पहले, ठीक है, 2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो तब तो उतना ज़्यादा ट्यूटोरियल भी यूट्यूब पर नहीं होगा हमको लगता है, ठीक है। अभी कुछ साल से स्टार्ट हुआ है गाने का ट्यूटोरियल यूट्यूब पर बनना बांसुरी से, ठीक है, तो ट्यूटोरियल भी नहीं था, ऊपर से फोन भी नहीं था, तो हम लोग वो सब नहीं, तो अच्छे से प्रैक्टिस किए उसके बाद धीरे धीरे करके, और प्रैक्टिस करते गए तो इतना अच्छा हो गया। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अच्छे तो डायरेक्ट आपको गाना बजाना ट्राई नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको बेसिक जो है उस पर ध्यान देना है, उंगली कैसे चलाएं, उंगली को तेज कैसे करें, फूक को कैसे सही से मारे, स्वर कैसे अच्छे से निकाले, तीव्र स्वर कैसे बजाएं, मंद स्वर कैसे बजाएं, ये सब के बारे में आपको थोड़ा 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 नॉलेज लेना है। मैंने ये सभी किया, ठीक है, उसके बाद मैंने ट्राई किया कि कोई गाना बजाना चाहिए, उसके बाद गाने के ट्यूटोरियल देखने लगे, उसके बाद आपको बजाना है। तो आप भी क्या कीजिए, सबसे पहले बेसिक जो है बांसुरी का वो सब समझिए अच्छे से, बांसुरी को अपना दोस्त मानिए और इसको अच्छे से सीखिए, ठीक है, शुरू लेवल से सीखिए, अच्छे से सीखिए एकदम। स्वर स्वर जो है बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल भी मौजूद है, ठीक है, तो आप कहीं से भी देख के सीख सकते हैं। तो अगर ये सब गलती, आप दो गलती मैंने बताया, तो अगर ये सब गलती करते हैं तो छोड़ दीजिए अभी, आप अच्छे बांसुरी वादक बन जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोग तक सोचे पहुंचा दे। अगर कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।